नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, सुबह के 7 बज चुके हैं। हमारी मैथमेटिक्स की क्लास शीघ्र शुरू करने वाले हैं। इसमें हम टाइम एंड स्पीड यानी चाल, दूरी और समय से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आर्मी में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज में। जो सीरीज हमारी सुबह 7 बजे की सुबह लाइव क्लास होती है रोजाना, लेकिन कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की इश्यू आने के कारण हमारी क्लास रद्द हो गई थी और शाम को लाइव किया वो भी नहीं चल पाया, क्योंकि नेटवर्क इश्यू आ रहा था, हमारे नेट नहीं चल रही थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जो जिसके कारण आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो ये मतलब मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए। आगे से मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम न हो, लेकिन फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ पूरी, क्योंकि इसका मैं क्या करूँ वो तो हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों को लाइव लेकर आओ और क्लास को कर दो जल्दी से लाइक, अपनी अटेंडेंस लगा दो ताकि शीघ्र ही हम क्लास शुरू कर दें। और जो भाई चैनल पे नया है वो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई नई क्लास का टाइम हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के सामने लेके आते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से दोस्तों लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्या है, यदि एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो हम भी देख पाए कि कौन कौन इसका जवाब सही दे पाएंगे। दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी भर्ती में, आर्मी ट्रेड के पेपर में आया हुआ है। बीकानेर रैली भर्ती 2018 में आया था, 28 अक्टूबर को जो पेपर लगा था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आपको पता है, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, नोट कर लो ये चीज़। क्या, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। किससे, 5/18 से। और यदि आपको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना किससे गुणा करना है, 18/5। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमें यदि बड़े की तरफ जाना हो यानी किलोमीटर की तरफ जाना हो तो बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, और मीटर यानी छोटे की तरफ जाना हो तो छोटी संख्या ऊपर रखते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है, इसका मतलब छोटे की तरफ जाना है यानी छोटी संख्या ऊपर रखते हो, 5/18, 18 × 54 कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। आपका उत्तर कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या राइट होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा आर्मी भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता है, तो इसीलिए मैंने एक पहला क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया है। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि आपके हमेशा के लिए ध्यान में रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने लेकर आए, जो कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आर्मी भर्ती जोधपुर की भर्ती, जो 25 जैसे यह अभी एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, यदि एक मारुति कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मारुति कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताओ, मीटर पर सेकेंड में बताओ। ये आया था जोधपुर GD आर्मी भर्ती में 2019 में आया था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैंने पीछे भी बताया था, अब आपको किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, इसका मतलब छोटे की तरफ जाना है, यानी 90 × छोटी संख्या ऊपर को 5/18, 90 × 5/18, 18 से काट दो कितनी बार, 5 बार, इसका मतलब 5×5=25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड आपका जवाब आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। दोस्तों क्लास एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि मैं कितनी मेहनत के लिए आपके साथ क्लास लेके आता हूँ डेली, तो आप भी क्लास को लाइक किया करो। कई बच्चे ऐसे भी है जो डिसलाइक कर रहे हैं, ये कारण तो बताइए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्लास समझ में नहीं आया, तो वो आप बताया करो कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं है, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप कारण तो बताया करो। डिसलाइक करने से कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं होता दोस्तों, कितनी मेहनत से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, और मैथ की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, यदि मैं मैथ सही तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप सोच नहीं सकते हो, मैं बढ़िया तरीके से आपको मैथ कवर करवा दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि हम भी जान पाए कि कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पा रहे। दोस्तों मैं आज की क्लास में नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपको पता क्या पता कब नेटवर्क इश्यू आ जाए और हमारे नेटवर्क मतलब ये प्रॉब्लम होती है जो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको क्लास ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यदि हमारे बीच में कहीं रुक जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आधे क्वेश्चन रह जाते हैं, इस कारण मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या है, यदि एक ट्रेन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। ये आपको क्या उसका उल्टा दे दिया जैसे पीछे किया था उस क्वेश्चन का, क्या है ये दे रखा है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर की तरफ जाना यानी बड़े की तरफ जाना यानी आपको बड़ी संख्या ऊपर रखना यानी 18/5 काट दो आप, कितनी बार कटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, 18 × 2 = 36, उत्तर कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी स्टूडेंट का जवाब भी सही आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, चलो हम भी जान पाए कि कौन कौन स्टूडेंट जवाब सही दे पाते हैं। जल्दी से दोस्तों जवाब दो फिर मैं बताता हूँ कैसे हल करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, यदि एक ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। क्या क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है अगले ने, तो आपको पता है यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ घंटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो इकाई दे रखी है उसी में पूछा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है दूरी बटा समय होता है, सबको पता है ना। अब बात कर लेते हैं दूरी आपको कितनी दी है 200 किलोमीटर और समय कितना दिया 5 घंटे, इसका मतलब 5 का भाग दे दो कितना आया 4 बार गया और 0 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जवाब मांगा इसका मतलब आपका 40 ही होगा, ठीक है। और यदि आपको मीटर पर सेकंड में कहता तो 5/18 से गुणा करते, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहता क्योंकि छोटे की तरफ जाना पड़ता तो 5/18 से गुणा करते, जो भी आता आप निकाल लेते, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, चलो देखते कौन कौन जवाब सही दे पाते, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी से जवाब दो दोस्तों, फुल तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट जवाब देने भी शुरू कर दिए, तो यदि बढ़िया तैयारी करोगे, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो सीरीज हमारी चल रही है रेगुलर लिया करो, मैंने कई प्रश्नावली टॉपिक करवा भी दिए पीछे, जैसे आयु वालों कल मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने कल लेट तक डाल दिया था 10 बजे तक, तो वो क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देख लेना, कल मैंने डाल दिया था सुबह नहीं डाल पाए, फिर 9 बजे भी वो डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने रात तक वेट करते करते आपके लिए डाल दिया था दोस्तों। लेकिन देखो आप क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे, मैं आपके लिए इतनी मतलब कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपकी क्लास लेने के लिए तैयार रहे हर वक्त, और हो सकेगा तो मैथ की क्लास में 2 लगाने की कोशिश करूँगा, शाम को भी हो सकेगा तो 9 बजे भी मैं क्लास लगाने की कोशिश करूँगा, होगी कोशिश तब तो मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी नहीं होगी, कोई मतलब इश्यू नहीं आएगा तब तो हम शाम भी 9 बजे लगाने की कोशिश करेंगे, एक बार आप ट्राई जरूर कर लेना 5-4 मिनट पहले आकर, क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कन्फर्म है शाम तक मैं क्लास करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं कोशिश आपके लिए करता हूं, लेकिन कहीं प्रॉब्लम आ जाए उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं दोस्तों, कल हुई परेशानी में आप कितना परेशान हुए दोस्तों एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, कल कितनी आपको परेशानी हुई दोस्तों मेरे कारण आपको परेशानी हुई, टाइम भी आपका खराब हुआ तो उसके लिए क्षमा कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या है यदि एक ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन का चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, आपको मीटर प्रति सेकंड बताना है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा फिर उसको चेंज करना है, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर अभी बताया था दूरी बटे समय होता है, दूरी दूरी बटे समय होता है। अब बात कर लेते हैं आपको दूरी कितनी दे रखी है, जल्दी से देखिए दूरी कितनी है 144 बटे 2, ये तो आपका आएगा किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा दोस्तों, किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, आपको कहा है मीटर प्रति सेकंड में बताओ, इसका मतलब छोटे की तरफ जाना है, किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे जल्दी से बताइए 5/18 से, किससे गुणा करेंगे 5/18 से, अब देखो काट दो, चलो मैं करके बता देता हूँ आपको, ये 2 से काट दो कितनी बार 7 बार और 2 बार, फिर देखो 18 × 2 = 48 बहत्तर यानी कितना आएगा
चार गुणा पांच कितना, चार गुणा पांच का मतलब कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा है। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों दिल से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने लेकर आया हूँ मैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले मैं बार बार बताता हूँ, इकाई देख लिया करो, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, इकाई मतलब दोनों सेम है, इकाई सेम है तो आप सीधा मतलब कर सकते हो। चलो देखते हैं आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर आप सबको पता है क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय होता है। अब बात कर लेते हैं चाल और समय, आपको दे रखा है चाल कितनी दे रखी है 50 और समय कितना दे रखा है 4। देखो दोनों एक है, चाल को मतलब दोनों की इकाई देखो, यहाँ भी घंटे के रूप में है और यहाँ भी घंटे के रूप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा कर सकते। यदि अलग अलग होते तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। 50 गुणा 4 यानी कितना हुआ 200, कितना आएगा 200 किलोमीटर, कितना आएगा 200 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही होगी, एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन क्या है, यदि एक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम भी जान पाए कि कौन कौन स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और तैयारी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लेने की कोशिश किया करो। कम से कम इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हुआ करो दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास है, कईयों को मतलब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है। यदि रेगुलर क्लास लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको मैथमेटिक्स में कवर करवा दूंगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मुझसे क्लास ली हुई है वो जानते भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कवर करवा देता हूँ। किसी भी तरह का मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हो उसके लिए भी मैं बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, मैं एक बार आपका वेट करता हूँ कौन कौन जवाब सही दे पाते हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रेन की चाल दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है 4 सेकंड, यहाँ देखो घंटा में और यहाँ सेकंड। इसका मतलब दोनों को पहले बात कर लेते हैं, चाल आपकी कितनी देर की है, चाल आपको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। इसको पहले चेंज कर लो, आप किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकेंड में 36 गुणा 5/18, 36 गुणा 5/18, 18 × 36 यानी कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो अब चाल और समय को गुणा कर दो, चाल कितनी है देखो, अब तो दोनों इकाई एक कर लिया हमने, 10 गुणा कितनी, 10 गुणा 4 यानी कितना आया 40 40। फिर बात कर लेते किस में आएगा, मीटर में आएगा ना 40 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, 40 मीटर यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए, पहले आपको इकाई एक होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने लेकर हम आगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्या है, यदि एक ट्रेन जिसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 490 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है समय। समय आपको पता है क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। सीधा सा क्वेश्चन है कि कितना स्पीड चाल रही है, वह कितनी स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है 490, 490 बटे 70 यानी काट दो कितनी घंटे लगेगी, 7 घंटे लगेगी। दोस्तों कितना समय लगेगा, 7 घंटा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, यदि एक ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो वह 108 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था पीछे भी, इकाई देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ क्या है किलोमीटर। इसका मतलब पहले इकाई चेंज कर लो, पहले क्या कर लो, इकाई चेंज कर लो। आपको देर की चाल कितनी देर की है, चाल आपको देर की है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब उसको चेंज कर लो, 15 गुणा 18 बटे 5, 18 बटे 5, 5 से काट दो कितनी बार, 3 बार,
अठारह तिया कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोनों मतलब इकाई एक होगी, ठीक है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ क्या है 108 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं आपको क्या ज्ञात करना है, समय। समय आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ आपको दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 108 और चाल हुई 154, सॉरी कितनी हुई 54। तो कितना समय लगेगा देख लो, मतलब दो बार जाएगा ना 2 घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा दोस्तों, 2 घंटा लगेगा। ये भी उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया 2 घंटे वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। देखो ट्रेन वाली प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा और इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, हो सकेगा तो आंकड़ा भी वही आ जाएगा और फिर संख्या चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका तो ये लगेगा कोई भी हो, गणित में संख्या चेंज होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों क्या है, यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, यानी इसका मतलब हमेशा ध्यान रखा करो, जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे यानी ऊर्ध्वाधर कोई भी वस्तु हो बिजली के खंभे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई होती है वो दूरी ली जाती है। ट्रेन की लंबाई होती है वो क्या ली जाती है, दूरी ली जाती है। ट्रेन की लंबाई होती है वो क्या ली जाती है, दूरी ली जाती है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और उसकी लंबाई जोड़ती है, जबकि खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगी, दूरी होगी। अब बात कर लेते हैं आपको ज्ञात करना है चाल। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। क्या होगा दोस्तों, दूरी बटा समय होगा। अब बात कर लेते हैं दूरी आपको कितनी देर की है, दूरी आपको देर की है क्योंकि ट्रेन की लंबाई होगी ना, 200 बटे कितना 5, आपका आएगा 40, यह आएगा मीटर प्रति सेकंड। किस में आएगा दोस्तों, 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब बड़े की तरफ जाना है, मैंने पीछे भी बताया था किससे गुणा करेंगे, किससे, 18 बटे 5 से। चलो काट देते, कितनी बार कटा, 5 से कटा 8 बार, 8 को 18 से गुणा करते कितना आता है 144, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा, जवाब आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 18 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। यह आर्मी जीडी दानापुर भर्ती 2019 बिहार में जो पेपर लगा था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब देने की कोशिश करो क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में आए हुए इंक्लूड किया है और कई क्वेश्चन जो आंकड़े मेरे पास से लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आंकड़े भी जो आए हुए हैं वही मैंने दिए। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास में आनंद आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए दोस्तों। और आप देखो कितने सारे स्टूडेंट लाइव देख रहे हो तो शेयर कर देना क्लास पूरी होने के बाद, ताकि सभी स्टूडेंट जो आर्मी की तैयारी करें उनके फ़ायदा हो सके कि लाइव क्लास इस यूट्यूब चैनल पे आपकी लगती है और मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में एकमात्र आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और किसी चैनल पे आपको मैथमेटिक्स क्लास नहीं मिलेगी इतनी शानदार दोस्तों। और क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं, जितनी क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइपिंग करके सब मतलब मैटर सेट करके आपको कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं, चलो मैं देख लेता हूँ कैसे निकालते हैं, आपको क्या निकालना है, पहले बात कर लेते हैं आपको चाल कितनी दे रखी है, चाल आपको दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको पहले चेंज कर लो किस में, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ सेकेंड में है, समय सेकेंड में, इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 5/18। यहाँ अब आपको गुणा करने के मतलब हम कह सकते हैं जरूरत नहीं है, आप आगे कर लेना कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल आपकी कितनी है 40 × 5/18, ये मैंने गुणा क्यों नहीं किया क्योंकि यहाँ कट जाएगा, देखते हैं हम। फिर देखो आपको पता है गुणा, आपको दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणा समय, समय कितना देर का, यहाँ देर का 18 सेकंड, गुणा 18 कर दो। देखो आप कई बार यहाँ भाग दे देते हैं पॉइंटों में, फालतू में आ जाता है, इसलिए कभी आपको आगे हल करना है तो एक बार मतलब उसको वैसे छोड़ दिया करो। अब देखो 18 यहाँ काम आ गया, कट गया ना 18। अब देखो 40 × 5 यानी कितना, यहाँ
200 किस में आएगा, आपको पता है किस में आएगा, मीटर में आएगा ना, 200 200 मीटर में आएगा, क्योंकि हमने चेंज कर लिया था किलोमीटर प्रति घंटा को, यह मीटर पर सेकंड में आया था, ठीक है। इसका मतलब दूरी किस में आएगी, यहाँ मीटर में आएगी, यानी 200 मीटर आपकी दूरी होगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम भी देख पाए कि आप मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आपको दिख रहा है, मैंने अभी बताया था, जब कोई ट्रेन है ना किसी प्लेटफॉर्म को, जब कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को कह दे, या कोई इस तरह की सुरंग हो, जब कोई ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म को कह दे या सुरंग को कह दे पार करे, तो दूरी होती है वो दोनों का क्या ली जाती है, योग ली जाती है। दूरी होती है वो दोनों का क्या ली जाती है, योग ली जाती है, यानी दूरी हमेशा दोनों का योग होती है, जब कोई प्लेटफॉर्म को पार करे सुरंग को पार करे। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ देखो ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, 200, 200 प्लस 300 कितनी हुई दूरी, तो आपको हो गई 500, कितनी हुई 500 मीटर हुई। अब बात कर लेते हैं, आपको 500 मीटर दूरी है, चाल ज्ञात करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितनी हुई 500, 500 बटे समय कितना हुआ 10, ये तो आपका आएगा मीटर प्रति सेकंड में, किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा दोस्तों। लेकिन आपको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से दोस्तों गुणा भी करना पड़ेगा। चलिए हम काट के इसको हल कर देते, कितनी बार कटा 10 बार, और ये देखो गुणा करेंगे 180 आएगा ना, 180 केस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाने की, जितना आसान तरीका होता है वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए हम स्क्रीन पे लेके आ गए। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। यहाँ ट्रेन की लंबाई और गति दोनों बताने, देखो लंबाई तो मैंने ऑप्शन में दे रखी है। देखो क्या है, यदि एक ट्रेन की चाह एक खंभे को बिजली के खंभे को 4 सेकंड में तथा एक 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, लंबाई तो आपको ऑप्शन में दे रखी है, गति आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताओ गति कितनी आती है और साथ में लंबाई भी बताओ। चलो देखते कौन कौन इसका जवाब सही देने की कोशिश करती है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको देख रहे हैं, मैं 2-3 तरीके आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा, आपको जो बढ़िया लगे वो देख लेना, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 4 सेकंड में तो वो करती है किसके, बिजली के खंभे को, मैंने अभी बताया था, जब बिजली के खंभे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई होती है वो क्या होती है, दूरी होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, यानी ट्रेन खुद की दूरी है ना वो 4 सेकंड में तय करे। दोस्तों देखो ध्यान से देखो, खुद की दूरी, खुद जितनी दूरी 4 सेकंड में तय करे। अब बात कर लेते, यहाँ देखो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब 800 मीटर और जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है खंभे को पार करती है तब तो ट्रेन वाली लंबाई वो क्या होती है, दूरी होती है, जबकि कोई प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेन वाली दूरी तो इसमें भी काम आएगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी 4 सेकंड तो इसमें भी लगेगा, 4 सेकंड तो इसमें लगा, मतलब बाकी कितना बचा, 8 सेकंड किस में लगा है, 8 सेकंड लगा उसको किस में, मतलब 8 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म की दूरी है ना, प्लेटफॉर्म की दूरी वो तय की है, 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म की दूरी तय की है। 8 सेकंड में दूरी कितनी तय करी है, देखो 800 मीटर, 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, 8 सेकंड में उसने दूरी तय करी है, क्योंकि 8 सेकंड जो ज़्यादा लगी हुई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की है, इसका मतलब 8 सेकंड में 800 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितना आया, 1 सेकंड में आया 100 मीटर, कितना आया 100 मीटर आया। आपको पता है यदि कहे पल्ले मतलब ट्रेन की लंबाई बताओ तो ट्रेन की लंबाई खुद को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4, इसका मतलब 4 सेकंड में कितना आएगा, आप गुणा कर दो,
सौ गुणा चार यानी 400 मीटर, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई तो आपकी कितनी होगी 400 मीटर होगी। अब आपको कहीं इसकी चाल बताओ, तो चाल आपको पता है खंभे को पार करेगी उस वक्त वो लंबाई होगी उसकी, ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी दूरी, तो 400 बटे कितना करना पड़ेगा आपको, 4 करना पड़ेगा, 400 बटे 4 यानी 100 मीटर पर सेकेंड। चाल कितनी आएगी देख लो, 100 मीटर पर सेकेंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है। चाल की बात करें तो 100 मीटर पर सेकेंड, और बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देना, ये आप कर सकते हो। एक तरीका दोस्तों ये, दूसरा तरीका और बताऊँ क्या, जल्दी से एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, ये तरीका बिल्कुल आसान है। चलो एक तरीका मैं और बता देता हूँ, एक दूसरा तरीका है जो एक्स विधि से हम कर सकते हैं। मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है एक्स, ट्रेन की लंबाई कितनी मानी हमने एक्स मानी, अब बात करते हैं कितना समय लग रहा है एक्स को तय करने में, 4 सेकंड, और फिर बात कर लेते हैं एक्स प्लस कितना 800 को तय करने में कितना लग रहा है वो लिख दो 12। ये मतलब क्योंकि ये तो दूरी दोनों को योग हुआ, और जब ट्रेन कोई खंभे को पार करेगी केवल एक्स होगी, तो 4 से काट देगी कितनी बार 3 बार, ये देखो इसको गुणा कर दो कितना है 3x = x + 800। ये एक्स इधर ला के घटाएंगे 2x = कितना आया, 2x = आपका आया 800, इसका मतलब x = कितना आया 400 मीटर। इसके मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हुई 400 मीटर हुई ना, पिछले सवाल में भी मैंने लिखा था 400 ही आई थी ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड में 100 के। अब बात कर लेते चाल आपको ज्ञात करना है, तो 400/4 यानी 100 मीटर पर सेकंड वही आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका अभी आप लगा सकते हो। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ जल्दी से एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन आपके क्या समझ में आया दोस्तों, समझ में आया होगा। कई स्टूडेंट जो कह रहे हैं समझ में नहीं है, वो दोस्तों क्या करना, क्लास एक बार दोबारा देखना, खत्म होने के बाद दोबारा देखना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है ऑनलाइन है, तो आप दोबारा वीडियो सेव होगा तो दोबारा देख लेना, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्या है, 110 मीटर लंबी ये आर्मी टीए भर्ती जो अभी पेपर लगा था 1 दिसंबर को, फैजापुर भर्ती थी उसमें आया था ये क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस तरह के मैंने काफ़ी बार करवा भी दिया है। पहले बात कर लेते चाल आपकी देर की, ये देखो मीटर में दूरी, मीटर में देर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको पहले चेंज कर लो, 60 गुणा किससे गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, चाल आपकी चेंज कर लेते चलो पहले किस में चेंज कर लेते चाल को, मीटर पर सेकंड में, चलो कर लेते किससे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। अब आपको यह हल करने की जरूरत नहीं, अब फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आगे आप हल कर लिया करो डायरेक्ट ठीक है। चलो इसका हल करने की हम कोशिश करते हैं, काट दो एक बार, कटना चाहिए तो 10 बार और ये 6 से 3 बार, यह आया 50/3, कितना आया 50/3 आया, ये किस में आएगी आपकी चाल आ गई देखो मीटर पर सेकंड में, किस में आ गई मीटर पर सेकंड में, ये मैंने काट दिया 6 से, ये 10 बार कटा था और ये 3 बार कटा था। अब बात कर लेते हैं आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है समय, क्या ज्ञात करना है समय ना, समय बराबर क्या होता है आप सबको पता है दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी में चाल का भाग दो, इसका मतलब क्या हुआ, दूरी आपकी देखो दोनों का क्या हो गया, दूरी दोनों जुड़ेगी यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे, दोनों का योग होती है, इनको जोड़ो कितना हो रहा है, ये देखो जल्दी से जोड़ो कितना हो रहा है 350 ना, 350 जोड़ सकते हो आप, मतलब ये 110 और ये कितना है 240 यानी 350 350 बटे, अब देखो यहाँ 50/3 लिखेंगे कितने 50/3, इसका मतलब ये 3 है ना ऊपर गुणा में जाएगा, क्योंकि भाग में जब भाग देती है तो वो उल्टी घूम के ऊपर आ जाती है नीचे वाली संख्या ठीक है ना, इसका मतलब काट दो 0 0 कितनी बार 7 बार, और 7 × 3 कितना आया 7 × 3 का मतलब 21 सेकंड, कितना समय लगेगा 21 सेकंड लगेगा दोस्तों, यानी 21 सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है टीए भर्ती फैजाबाद जो पेपर लगा था अभी 1 दिसंबर को, उसमें आया था, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके भी आ जाए उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, इस क्वेश्चन का भी जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल
मीटर पर सेकंड में बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों जल्दी से। आपको क्या ज्ञात करना है? चाल। चाल दोस्तों अभी बार बार बता रहा हूँ, दूरी बटे समय होता है। सूत्र आपको याद भी करवा दिया अब तक तो मैंने। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लास में आनंद ले रहे होंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए। आनंद आ रहा है ना क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में दोस्तों? ऐसा आनंद आपको आता ही रहेगा, देखते रहना आप सपोर्ट करते रहिएगा, फुल शेयर करते रहिएगा क्लास को। क्या है आपको, देखो दूरी कितनी है, 300 बटी समय कितना, 6। इसका मतलब कितना आया, 50 मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड में जवाब मांगा, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपको चेंज करने के लिए कहता तो हम कर देते हैं, किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है तब। दोस्तों ये हुई आपकी आज की क्लास, 15 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जो दोस्त अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया यार, वो लाइक करके जाइएगा क्लास को। ऐसे सपोर्ट हमें बनाते रहेगा, हम क्लास आपके लिए ऐसे लगाते रहेगा। हो सकेगा तो शाम को 9 बजे भी मैं दोबारा क्लास मैथमेटिक्स की एक और करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे आपको 19 जनवरी से पहले पूरा कोर्स करवाना है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो है ना जीके की मेरे पास एक 1500 क्वेश्चनों की मतलब वन लाइनर सीरीज है, और लगभग 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो मैं आपको देने की PDF कोशिश करूँगा। इसके लिए आज आपको कमेंट करना है कि लाइव मतलब इसका एक मैराथन क्लास लगाए या आपको सीधी PDF दे दी जाए। दोस्तों उससे बाहर नहीं आएगा, कन्फर्म मैं कह सकता हूँ। साइंस की जैसा कि आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा वो PDF, और उसका हल चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जी इनका हल कहाँ से देखे। दोस्तों हल देखने के लिए कहीं आपको मतलब नेट पे खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो साथ जो पढ़ रहे हैं उनको खोजने की ज़रूरत क्यों नहीं है सोचो, क्योंकि हमारी मैराथन क्लास में उनका जवाब मिलेगा। तो वहाँ जाकर आप वो मैराथन क्लास देखिए, साथ साथ में वो PDF अपने साथ रखिए और टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चनों में, और क्लास को कर लीजिए लाइक। और जो भाई चैनल पे नए है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जब भी लाइव क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।